तो त्रिवेंद्र सिंह रावत का यह बयान सुना आपने, ध्यान से सुना होगा सीएम साहब, लेकिन आपने सुना क्या यह बयान? त्रिवेंद्र सिंह रावत क्या कह रहे हैं? त्रिवेंद्र सिंह रावत कह रहे हैं आपकी बार 60 पार तो कौशिक होंगे सीएम। उम्मीद है सीएम साहब यह बयान आप तक भी पहुंच गया होगा। इतने जबरदस्त तरीके से वायरल हुआ यह बयान, सियासी गलियारों में खूब चर्चाएं लूट रहा है। त्रिवेंद्र सिंह रावत पूर्व मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि कुछ गड़बड़ हुई तो कौशिक जी के बाल काले हो जाएंगे सफेद से। सफेद से कौशिक जी के बाल काले हो जाएंगे? 60 पार हुए तो कौशिक मुख्यमंत्री बन जाएंगे? सबसे कहना चाहता हूँ, देखिए क्या होता है कि बार बार चेहरा देखते हैं, बार बार चेहरा देखते कई लोग उठ जाते हैं। आप लोग उठ नहीं गए? नहीं 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 अगर गड़बड़ हुई प्रदेश में ये किस गड़बड़ की बात कर रहे हैं पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत? कहीं ये वही गड़बड़ की बात तो नहीं कर रहे हैं जिस गड़बड़ की वजह से उन्हें मुख्यमंत्री पद से हटाया गया? तीरथ जी आए, फिर गड़बड़ हुई, फिर धामी जी आ गए, तो फिर ये कौन सी गड़बड़ की बात हो रही है? कहीं ये गड़बड़ जब खंडूरी जी 2007 में मुख्यमंत्री बने, फिर गड़बड़ हुई निशंक जी आए, फिर गड़बड़ हुई तो खंडूरी जी आए, कहीं ये उसी गड़बड़ की बात तो नहीं कर रहे त्रिवेंद्र जी? दरअसल इस बयान के कई सियासी मायने हैं। सियासी मायने इस बात को लेकर भी संकेत और संदेश दे रहे हैं कि पार्टी के भीतर कुछ धड़े बटे हुए दिखाई दे रहे हैं। संकेत साफ है कि वो धामी को मुख्यमंत्री बनता हुआ शायद नहीं देखना चाह रहे। इसका एक उदाहरण, त्रिवेंद्र सिंह रावत सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री, त्रिवेंद्र सिंह रावत डोईवाला से चुनाव लड़ते थे, लेकिन एकाएक जब पैनल में नाम फाइनल हो चुके थे, कोई शंका नहीं थी, कोई शक नहीं था, तो फिर डोईवाला से उन्होंने चुनाव ना लड़ने का मन पक्का किया और औपचारिक रूप से बकायदा एक चिट्ठी अपने अध्यक्ष को लिखी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा साहब को, जिसमें उन्होंने कहा कि वो स्वेच्छा से इस सीट पर चुनाव नहीं लड़ना चाहते। अब संकेत क्या है? संकेत कहीं ये तो नहीं है कि आने वाले वक्त में संगठन के भीतर एक बड़ी जिम्मेदारी की उम्मीद त्रिवेंद्र सिंह रावत पाले हुए हैं, जिसमें वो कौशिक का साथ चाहते हैं, कौशिक प्रदेश अध्यक्ष? अब ऐसी स्थिति में मदन कौशिक को चेहरा प्रोजेक्ट करके क्या मदन कौशिक के सामने एक चेहरे को लेकर जिस तरह का जिक्र उन्होंने किया कि बाल सफेद काले हो जाएंगे, 60 पार तो मुख्यमंत्री कौशिक हो जाएंगे, तो ये संकेत कहीं संदेश के रूप में तो नहीं है? और ये संदेश दिल्ली तक पहुंचाने की कोशिश तो नहीं है? फिलहाल इस बयान ने कई सियासी तूफान खड़े कर दिए हैं। त्रिवेंद्र सिंह रावत के इस बयान के अब कई मायने निकाले जा रहे हैं। पहले डोईवाला से चुनाव ना लड़ना, चुनाव ना लड़ने के बाद भी अपने चहीते को कैंडिडेट बना लेना, और फिर कौशिक जी के लिए वोट मांगने जाना जो कि प्रदेश अध्यक्ष है बीजेपी के, और उनकी सभा में यही कहना
कि अब की बार 60 पार तो कौशिक ही होंगे मुख्यमंत्री पहर चेहरे के दावेदार। अभी दिलचस्प दिखाई दे रही है लड़ाई बीजेपी के घर के भीतर ही। फिलहाल इस सियासी बयान के अब सियासी मायने निकाले जा रहे हैं, क्योंकि त्रिवेंद्र भी जानते हैं एक तीर से कई शिकार करना। इतना जरूर है कि त्रिवेंद्र एक्टिव हो गए हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। मुख्यमंत्री तब बनेंगे 60 बार।